सो गाइस, आज घर में हाथी पूजा है। हाथी पूजा, लक्ष्मी पूजा भी कुछ लोग इसे कहते हैं। कुछ लोगों के यहाँ शायद होती होगी, कुछ लोगों के यहाँ नहीं होती होगी। अब ये तो सिर्फ आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि किन लोगों के यहाँ होती है और किन के यहाँ नहीं होती। तो किसी और फॉर्म में होती होगी, मे बी किसी और तरीके से होती होगी। तो अगर आपके यहाँ भी होती है लक्ष्मी पूजा और हाथी पूजा सेलिब्रेट की जाती है, कैलेंडर में भी दी होती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो उसी की तैयारी चल रही है, तो मैं तैयारियाँ दिखा देती हूँ आपको। इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लाइक बहुत श्रृंगार बनता है, खुरमी बनती है, ठेठरे बनते हैं, जो भी किसी के हम बोलते हो, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो बहुत बहुत लंबी मतलब पूजा होती है, बहुत सारी तैयारी होती है इसके पहले। और इसमें नहाने का भी एक अलग ही तरीके का प्रोसेस होता है, अलग तरीके से नहाया जाता है। तो बाकी और बाकी डिटेल्स मम्मी बताएंगी आपको। तो अभी चलिए अपन मम्मी के पास चलते हैं और मैं देखती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या प्रिपरेशन हो गई है। अभी देख रहे हैं आप लोग, ये सारा कुछ जो है वो आटे से ही बना हुआ है। जस्ट अ सेकंड। तो ये सब कुछ आटे से बना हुआ है। ये श्रृंगार बना हुआ है, आटा भी लगा हुआ रखा है। तो जो श्रृंगार है वो ये पीले वाले आटे से बना हुआ है। यहाँ पे ये ठेंठे बने हुए हैं, वो ये वाले आटे से बने हुए हैं। और ये मीठी खुरमी बनी हुई है, और ये कुछ बॉल्स टाइप का बनाते हैं। और ये पूरा श्रृंगार है, इसमें सारा श्रृंगार है। ये बाजूबंद है, ये नेकलेस है, और ये बेंदी है, और ये चूड़ियां हैं, तो ये रिंग भी है। तो ये सारा कुछ मैंने बनाया हुआ है, ये मम्मी ने बनाया है। ये कुछ चीज़ें मम्मी ने पीछे बनाई हैं, ये कुछ मैंने बनाया है। और ये जो है मीठी खुरमी, यही मैं बना रही थी, अभी निकाल रही थी। तो ये इतने चार तरह के, इसमें फोर डिफरेंट टाइप के आटा लगाते हैं। तो ये सारे आटे लगे हुए हैं, इन सारे से ये सब कुछ बना हुआ है। अभी कुछ और मतलब बाकी और चीज़ें भी बनाएंगे। तो यहाँ पे ये घी का डब्बा भी रखा हुआ है। सो चलिए अभी मैं ये पूरा फिनिश कर लेती हूँ, फिर हम मम्मी के पास चलेंगे किचन में। उन्होंने कढ़ाई रखी हुई है, अभी ये सारी चीज़ें फ्राई होंगी। तो जो भी हमने कुछ बनाया है सारा कुछ फ्राई होगा, और फिर उसके बाद पूजा होगी। तो बेसिकली हाथी जी की पूजा होती है, तो पूजा आपको आगे देखने को मिलेगी। मैं वो भी शूट करूँगी कि ऐसे हाथी जी की पूजा करते हैं। तो इसको लक्ष्मी पूजा भी बोलते हैं, कुछ लोग हाथी पूजा भी बोलते हैं। मम्मी ने कढ़ाई रखी हुई है किचन में इनको फ्राई करने के लिए। तो फटाफट से मैं सब फिनिश करती हूँ और हम चलते हैं मम्मी के पास। तो ये देखिए आप, ये श्रृंगार हम जो बनाए थे हमने, वो हम फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारा कुछ। तो ये सारा जो भी हमने बनाया है सब कुछ फ्राई होगा। अब इसके बाद मैं आपको पूजा भी दिखाऊंगी कि पूजा कैसे होती है। तो मम्मी पूरियाँ बना रही थी, तो उन्होंने बोला मैं ही फ्राई कर लूँ। ओह माय गॉड, सो हॉट। येलो मींस गोल्ड, तो ये हमारा सोने का हार है। और बिछिया, वेयर इज बिछिया? बिछिया नहीं आई अभी, ये सब कुछ सोने का है। आप सब देख रहे हैं, आज से पहले आपने तले हुए सोने का कुछ देखा था? ये हमारी बिछिया आ गई। आउच, मेरा हाथ जल गया बहुत तेज। ये हाथी सूर में बनाते हैं, ये हाथी बाबा का श्रृंगार है। फिर कुछ ये निकल गई। तो जब तक मम्मी अब फ्राई कर रही है सारा सामान, तब तक मैं बाकी बचा हुआ जो आटा है, जो उसकी खुरमी वगैरह बना लेती हूँ। देन हम पूजा की प्रिपरेशन करेंगे। तो फिर अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद पूजा की प्रिपरेशन में। सो गाइस, अभी पूजा की तैयारी होने लगी है। हम लोग यहाँ पे पूजा की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी पूजा, जो यहाँ पे पूजा सारी स्थापित होगी, उसके लिए मम्मी प्रिपरेशन कर रही है यहाँ पे। तो मैं बैक कैमरा ऑन करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा लेप किया जा रहा है मिट्टी से, पीली मिट्टी से, या आप गोबर से भी कर सकते हैं। तो बेस तैयार किया जा रहा है, यहाँ पे हमें पूजा रखना है। तो मैं पूरी प्रिपरेशन स्टार्टिंग टू एंड आपको दिखाऊंगी कि पूजा कैसे की जाती है। हाथी बाबा जिनकी पूजा होती है आज।
गाइस पूजा इज डन, पूजा हो चुकी है। अभी 7:30 बज रहे हैं तो मैं जो बचे हुए खुरमी वगैरह थे वो मैं फ्राई कर रही हूँ, जो बचे हुए थे अभी मीठे वाले रखे हुए हैं वो भी फ्राई करने हैं। सो अभी जस्ट अभी अब खाना बनेगा, तो खाने में पूरियाँ तो बनेंगी ही, हर साल बनती हैं पूरियाँ क्योंकि आज जो फेस्टिवल है त्यौहार होता है। सो बट मैं तो अपने लिए खिचड़ी बनाऊंगी, आई डोंट प्रेफर हैवी फूड एट नाइट, तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी, मुझे लाइट फूड ही खाना है। बाकी पूरी तो बनेंगी, सब्जी का डिसाइडिंग हुआ है अभी सब्जी क्या बनेगी, तो मम्मी से पूछना पड़ेगा सब्जी क्या बनाने। बाकी पूरियों को आटा लगा हुआ है, पूरी बनेंगी और जस्ट अभी खाना बनने वाला है, ये मैं जस्ट फिनिश कर लूँ, उसके बाद मैं सब्जी का देखती हूँ मम्मी से पूछ के और मैं अपनी नई खिचड़ी बनाऊँगी। सो देखते हैं मेरे से ही फिर खाना खाने के बाद आपसे।
अभी 12 समथिंग बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं अपने रूम में आई हूँ। अभी तो नहीं 11:30 समथिंग आई थी और मेरा फेस में अभी बहुत ऑयल वाली दिख रहा होगा। इट्स नॉट बिकॉज पसीना सेटिंग की वजह से नहीं है, ये मैंने अपना रेगुलर ऑयल लगाया हुआ है एलमंड ऑयल, इसकी वजह से आपको फेस ऐसा दिख रहा है। और प्रोप्रेस भी लगाया हुआ बिकॉज मेरे खून बहुत ज़्यादा फट रहे हैं। सो अभी देखो सोच रही हूँ सो जाऊँ, थोड़ा सा टायर्ड लग रहा है, बट मुझे एक एडिटिंग भी करना है एक वीडियो में, कुछ मतलब कैप्शंस वगैरह मुझे डालने हैं, टेक्स्ट डालना है एक वीडियो में। अगर वो रेडी हो जाता है तो कल वो वीडियो चला जाएगा। बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे पास जिनकी मुझे एडिटिंग करनी है बट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बहुत सारे काम है मेरे पास, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ट्राई करती हूँ रेगुलर टाइम पर मैं वीडियोज़ डालूँ अल्टरनेट डेज में, बट नहीं हो पाता है। अभी आज का तो बस यही था, आज का ब्लॉग हम यहीं फिनिश करते हैं। खाना वाना सब हो गया है एंड मम्मी ने गलती की सब्जी बनाई थी, मैंने बोला था कि सब्जी का देखते हैं, तो मम्मी ने गलती टमाटर की सब्जी बनाई थी, मम्मी ने ही बनाई थी। एंड मैंने बोला था कि पूरियाँ बनेंगी बट पूरियाँ नहीं बनी थी, मम्मी ने भी रोटी का ही बोला, तो रोटियाँ ही बनी थी, मैंने रोटियाँ सीखी थी। तो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा है, आप ऐसी और ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आगे भी कोशिश करूँगी ऐसे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आती रहूँ। एंड मोस्ट वेलकम टू आवर फैमिली, अगर आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का प्यारी सी कीर्ति स्किनोर्स की फैमिली का पार्ट बनिए। और तो इस तरह से हमारे यहाँ माँ लक्ष्मी पूजा होती है, आपके यहाँ होती है या नहीं होती है या किस तरह से होती है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। आई एम डेस्परेट, वेरी डेस्परेट टू नो कि कितने लोगों के यहाँ ये पूजा होती है, बिकॉज आई थॉट रेयरली बहुत कम लोगों के यहाँ शायद ये वाली पूजा होती है। तो आप ओके तो बस आज के ब्लॉग हम यहीं फिनिश करते हैं। आई डोंट वॉन्ट कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। जस्ट दैट ऐसे अपना प्यार बरसाते रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे अपना प्यार बरसाते रहिए। लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय। सो आई डोंट वॉन्ट वीडियो ज़्यादा लंबा हो, आई होप सो।